करण और प्रीता, आप कब पहनाएंगे आप एक दूसरे को अपनी प्यार वाली बेल्ट? सच में बहुत हो गया ये लड़ना झगड़ना, आमना सामना। अब तो कर ही दीजिए आप एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार। तो क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज, और क्या कुछ हो रहा है राजवीर, पलकी और शौर्य की जिंदगी में, लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में जल्द ही काव्या और वरुण शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और ऐसे में घर में हो रही है मेहंदी की रस्म, जिसमें सभी घर वाले सजे धजे हैं। होने वाली दुल्हनिया भी काफी एक्साइटेड है। वैसे इस मेहंदी की रस्म में प्रीता भी हो गई है शामिल, लेकिन यहाँ पर भी हो रहा है ड्रामा। असल में कहीं ना कहीं प्रीता को पता चल गया है कि वरुण काव्या को धोखा दे रहा है। ऐसे में अब शादी में होगा नया बवाल। हमारा मिरर थीम है पूरी फैमिली का, सबने मिरर वर्क के कपड़े पहने हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, लेकिन मिरर वर्क इज द थीम। सो यार ये डिज़ाइन भी हमारी क्रिएटिव ने इसे डिज़ाइन किया है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, मिरर वर्क इस पर भी है, कॉम्बिनेशंस पूरा लुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो या आई फील प्रीटी, आई होप आई लुक प्रीटी एज वेल। वरुण का कुछ ना चक्कर वक्कर चल रहा है, शादी वादी हो रखी है उसकी, मुझे तो अभी लग गया पता कि ऑफकोर्स उसकी एक वाइफ है और ये कोई साजिश रच रहे हैं हमारी परिवार के अगेंस्ट, जो कि अक्सर हमारी शादियों में होता ही है। यहाँ लूथराज की शादी में वही हो रहा है, एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है, और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आता है देखने में, इसलिए हमें ये सब बनाना पड़ता है। हाँ प्रीता क्योंकि बाहर की है, टेक्निकली बाहर की है फैमिली से, इसलिए वो एक अनबायस तरीके से देख पाती है इस पूरी सिचुएशन को। हम लोग के वो अब रिश्तेदार बन चुके हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते उनको, स्पेशली लड़की के जो घर वाले होते हैं वो ज़्यादा बोल नहीं पाते लड़के के घर वाले को, इसलिए हम लोग कुछ खास बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो बहुत प्रोटेक्टिव है मेरी फैमिली को लेके, और इसलिए उन्हें जो गलत लग रहा है वो उसी टाइम टोक रही हैं, और वो देख भी रही हैं कि क्यों वरुण की फैमिली ऐसे फिशी सा बिहेव कर रही है। तो यहाँ ऑफकोर्स करेंगी कुछ ना कुछ। हाँ मुझे तो अब डर ही लग रहा है शादी तक पहुँचेगी कि नहीं बात, पर देखते हैं बहुत कुछ ड्रामा होगा, हो सकता है इनके फैमिली का पर्दाफाश ना हो पाए शादी तक, और शादी के मंडप पे सीधा प्रीता आए, नहीं ये शादी नहीं हो सकती। कुछ भी हो सकते हैं, नेवर नो। लेकिन मैं अभी वापस आ रही हूँ, फिर बात करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ऐसे क्यों फील कराऊंगी? एक्सक्यूज मी, मुझे ना इससे बहुत अर्जेंट कोई बात करनी है। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की बेल्ट, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।